क्या मैं एक डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ? कौन कौन से फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायर्ड होते हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा अगर मैं डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ? कितनी सैलरी होती है यार डेटा एनालिस्ट की? कितना टाइम लगेगा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए? अगर आपके भी यही सारे सवाल हैं तो इस एक वीडियो के अंदर आपके ये सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। लेट्स जंप इनटू इट। डेटा एनालिस्ट जॉब की एक केस स्टडी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और आपको मैं खुशामदीद करता हूँ आज के हमारे डेटा एनालिस्ट समर बूट कैंप के लेक्चर के अंदर, जो 3 माह का समर बूट कैंप है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट की जॉब कितनी होती है और डेटा एनालिस्ट जो है वो बेसिकली किन किन चीजों के मजमुए का नाम है। अगर आप गौर करें तो 365 डेटा एनालिस्ट जॉब मार्केट एनालिसिस, ये बेसिकली 365.com है, यहाँ पे ये डेटा एनालिस्ट की बेसिक जॉब जो है वो आपको मिलती हैं। और इस एक वेबसाइट के ऊपर अगर आप गौर करें तो डेटा एनालिस्ट जॉब मार्केट इन 2024 डिमांड्स एंड परस्पेक्टिव के ऊपर इन्होंने बात की है, प्रोस्पेक्ट्स नॉट परस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर बात की है। और उन्होंने बोला कि वो रिसर्च 1000 जॉब पोस्टिंग टू आइडेंटिफाई डेटा एनालिस्ट रिक्वायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज इन AI ड्रिवन एरा, एक्सप्लोर द डेटा एनालिस्ट जॉब मार्केट 2024 के अंदर। और ये इनकी वेबसाइट का लिंक है 365 डेटा साइंस का। तो इस केस स्टडी में क्या बताया गया, लेट्स सी। यहां पे सबसे पहली बात ये है कि डेटा एनालिसिस स्किल्स कौन-कौन सी और आपको कौन-कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। 20% जॉब्स के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन की स्किल्स रिक्वायर्ड की गई हैं, यानी कि आपको डेटा विजुअलाइजेशन अच्छी खासी आनी चाहिए। फिर 11.9% के अंदर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। फिर SaaS के अंदर यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज के अंदर 11.8, फिर डेटा माइनिंग 9, फिर SPSS, फिर प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी स्किल्स हैं। और इसमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस 1.8% के करीब है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 1.3, एंड रिग्रेशन एनालिसिस, एबी टेस्टिंग एंड टाइम सीरीज एनालिसिस 0.1 एंड समथिंग लाइक दैट। सो इसका मतलब है आपको डेटा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी। एंड बिलीव मी, डेटा विजुअलाइजेशन के जो टूल्स इस कोर्स में मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिससे हम डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, पावर बीआई से बहुत कमाल होगी, टैब्लू के अंदर भी बहुत आला किस्म के फीचर्स हैं डेटा विजुअलाइजेशन के, एंड पाइथन के अंदर भी। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपको ये जो टेक्निक है डेटा विजुअलाइजेशन की अच्छे से आ जाएगी, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आपको मैं इसमें सिखाने वाला हूं। सो ये अगर 20 और 11, ये तकरीबन 32 से 33% अगर आप सीख जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक बड़ी जॉब मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर रिक्वायर्ड एजुकेशन लेवल क्या था इन 1000 जॉब्स के अंदर? अगर हम यहाँ पे परसेंटेजेस देखें तो बैचलर्स जो है 45.1% है, यानी कि किसी भी फील्ड का बैचलर हो तो 45.1%, मास्टर्स हो तो 34.4%, पीएचडी हैं तो आपको 2.1% उन्होंने रिक्वायरमेंट थी किसी भी एक जॉब की। और नॉट मेंशन, यानी कि उन्होंने पूछा ही कुछ नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, तो वो तकरीबन 19% या 18.4% है। तो अगर आप गौर करें, अगर ये हाल है, और ये डेटा सेट बेसिकली अमेरिका का डेटा सेट है, यूएसए का, सो इस डेटा सेट के अंदर अगर आप गौर करें, हाफ ऑफ द जॉब्स आर ओनली गिवन टू बैचलर स्टूडेंट्स या बैचलर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपका बैचलर भी कंप्लीट है, आप डेटा साइंस की स्किल सीख लेते हैं, यू हैव लाइक 50% ऑफ गेटिंग इन टू द जॉब्स। और मास्टर्स की डिग्री अगर आपके पास है तो आपके चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, यानी कि 45 ये और 34.4 ये। तो ये दोनों मिला के आपके पास बैचलर और मास्टर भी और पीएचडी होगी, तो ये तीनों परसेंटेजेस आपकी अपनी है, यानी कि आप तकरीबन 82% के करीब जॉब के लेने के जो है वो एलिजिबल है, लेने के लिए एलिजिबल है। तो मास्टर्स, बैचलर्स और पीएचडी, इस तरीके से उन्होंने इसका एनालिसिस किया। अब आगे जो है रिक्वायर्ड डिग्रीज, किस किस के अंदर डिग्री होना जरूरी है। ऑब्वियसली ये जॉब स्किल्स की बात हो रही है, तो उन्होंने जो फील्ड के नाम लिए उसमें स्टैटिस्टिक्स सबसे टॉप पे है, फिर कंप्यूटर साइंस है, फिर मैथमेटिक्स, फिर डेटा साइंस के अंदर डिग्री है, इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स, इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी कोई भी डिग्री है तो आपके जॉब के चांसेस हैं, कम है ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि अगर आप यूएसए में कर रहे हैं या कहीं पे और कर रहे हैं। वो लोग जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डेटा साइंस की जो नई डिग्री है ये उसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ऊपर वाले जो 3 फील्ड है, इसका मतलब बहुत जरूरी है स्टैटिस्टिक्स सीखना, कंप्यूटर साइंस सीखना, मैथमेटिक्स सीखना एंड डेटा साइंस सीखना। अगर आप इनमें स्किल्स भी ले लें, That is more than enough to grab a job, ठीक है। So ये 4 फील्ड मिला के अगर आप गौर करें तो आपके पास 25 और 20 अगर ये लगा लिया जाए तो ये बनते 45, और अगर 15 ये लगा लूँ 60 और 18 ये 78% तो ऊपर वाले बन जाते हैं। तो 4 फील्ड जो है, अगर इनके अंदर आपके पास डिग्रीज हैं दैट्स ग्रेट, नहीं भी हैं तो नो वरीज।
फिर आगे चलते हैं रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। यूजुअली उन्होंने जो रिक्वायर किया होता है वो एक्सपीरियंस 0 से 2 साल का है और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है। और अक्सर औकात उन्होंने एक्सपीरियंस को मेंशन ही नहीं किया होता, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने डेटा एंट्री लेवल की, डेटा एनालिस्ट एंट्री लेवल की जॉब पे स्टार्ट करना होता है। अगर आपके पास PhD तो आप एडवांस लेवल पे, मास्टर्स है तो उससे कम लेवल पे। सो मैं इस ग्राफ पे बिलीव नहीं करता इस वक्त, बट इट वॉज एन एनालिसिस। अगर आपके पास डिग्री है दैट्स गुड, एंड एक्सपीरियंस है दैट्स रियली गुड, नहीं है तो कहीं पर इंटर्नशिप करें और वो एक्सपीरियंस अपने पास जरूर रखें। फिर आता है जी सैलरी रेंजेस। यूजुअली क्या है, जो सैलरी है वो लेस देन 60,000 लोगों की $60,000 पर ईयर जो है वो 5.6% है, और ये सैलरी बढ़ती 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 अबव $200,000 पर ईयर हो जाती है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस के साथ सैलरी बढ़ती है और आपकी सैलरी निगोशिएशन स्किल्स के साथ भी। तो आपकी सैलरी की रेंज $60,000 से $200,000 तक जाती है, यानी कि $200,000 तक। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी रुपीज के अंदर ये कितने पैसे बनते हैं। अगर $60,000 भी इज अ मच हायर सैलरी देन अ लॉट ऑफ PhD स्टूडेंट्स या पोस्ट डॉक जो रिसर्च कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में या कहीं और, तो ये जो सबसे मिनिमल सैलरी भी है ये एक आम सैलरी से अच्छी सैलरी है। बट इफ यू गो हायर आपकी सैलरी और भी इंक्रीज करती जाएगी। इसके बाद अगर गौर की जाए तो कौन से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल्स रिक्वायर थे उस एक जॉब के अंदर, तो अगर आप चेक करें कि हर जॉब के अंदर यानी कि 50% ऑफ द जॉब्स रिक्वायर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स। इसी वजह से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हम एक पूरा महीना लगाने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल्स को ना छोड़िएगा, क्योंकि आपको बेसिक लेवल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता होगा, बट एडवांस लेवल पे हम आपको सिखाएंगे। अब इसके अलावा आउटलुक आना चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आनी चाहिए विच इज 13.2%, ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए 13.6%, और मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड वर्ड भी आपको सिखाऊंगा, बट हम बाकी जो टूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ देखते जाएंगे, उनकी अभी जरूरत नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट एंड वर्ड ज्यादा जरूरी है। आउटलुक जो है वो ईमेल्स के लिए जरूरी है, वी विल सी दैट एज वेल। अच्छा जी, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में SQL टॉप पे है, 50% से अबव है, जो इस कोर्स का मेन पार्ट है। हम आपको SQL भी सिखाएंगे बिल्कुल जीरो से, Excel भी, SQL भी, Python भी और बाकी स्किल्स भी। और फिर Python है जो 31.2% है, फिर R है। R हम इस कोर्स में नहीं सीखने वाले, हम Python एंड SQL सीखने वाले हैं। अगर आप R को सीखना चाहते हैं तो R विद अमार हमारा पूरा कोर्स है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वही आप हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पे जाके उस कोर्स को देख सकते हैं और वहां पे आप सीख सकते हैं। R विद अमार के नाम से पूरी एक सीरीज है, मैंने R सिखाया हुआ है। बट Python के लिए और SQL के लिए ये जो कोर्स है हमारा डेटा एनालिस्ट का बूट कैंप, समर बूट कैंप, इसके अंदर आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। ऑफकोर्स हम बाकी चीजें यहाँ पे नहीं सीखने वाले। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जनाब डेटा विजुअलाइजेशन टूल, और जो टॉप नॉच के दो टूल्स हैं पावर बीआई एंड टैबल्यू, इसी वजह से मैंने इन दोनों को चूज किया आपको सिखाने के लिए, बिकॉज दीज टू टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे तकरीबन 60% ऑफ द जॉब्स या 55% ऑफ द जॉब्स रिक्वायर दीज टूल्स, और ये दोनों टूल्स पावर बीआई एंड टैबल्यू बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन डेटा विजुअलाइजेशन टूल स्टैक। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैंने इन सॉफ्टवेयर्स को चुना है, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले है, फिर आपके पास आता है जनाब पावर बीआई, फिर आपको मैं सिखाऊंगा टैबल्यू, फिर आपको चौथा टूल सिखाऊंगा SQL, पांचवा सिखाऊंगा पाइथन, और इन पांचों को इकट्ठा करके एट द एंड हम मार्कडाउन के थ्रू रिपोर्ट्स बनाना भी सीखेंगे, एंड वी विल सी कि आपके पास एक प्रॉपर ए से जी तक डेटा एनालिसिस का स्टैक आपको आ जाएगा। अब आपको मैंने डेटा के थ्रू भी दिखा दिया, एक रिपोर्ट एनालिसिस के थ्रू भी दिखा दिया कि जो टूल्स मैंने इस समर बूट कैंप के अंदर इंक्लूड किए हैं वो टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, और यही वजह से मैं आपको कहता हूं कि जिन्होंने इनरोल नहीं करवाया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, इस कोर्स के अंदर इनरोल करवा लें और सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी मजे मजे की चीजें बताने वाले हूं डेटा से रिलेटेड, और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल करके उस पर काम स्टार्ट करने वाले हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। लाइक कर दीजिएगा प्लीज।